सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं टैग ग्रिप। आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं Instagram के एक नए फीचर के बारे में, जो 3 से 4 महीने पहले Instagram ने लॉन्च कर दिया था, लेकिन बहुत ही कम लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप उस फीचर का यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, किस प्रकार उसको ऐड करेंगे, किस प्रकार उसको रिमूव करेंगे। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइस, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइस, जब आप मेरी तरह Instagram को ओपन करते हैं तो आपको इस तरह की ये फीड्स देखने को मिल जाती हैं। आपको यहां पर उन सभी लोगों की फीड्स देखने को मिलेगी जिन लोगों को आपने फॉलो कर रखा है। देखिए कुछ इस तरह से, जितने भी लोग आपने फॉलो कर रखे हैं उन सभी की आपको यहां पर पोस्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं इनमें से कुछ लोगों की पोस्ट जो यहाँ पर शो नहीं होती है वो मैं मिस न करूँ, जिन लोगों की कुछ पोस्ट आपको काफ़ी पसंद आती है, जिनको आप चाहते हैं कि मैं जब भी उनको देखना चाहूँ तो उन्हीं की लेटेस्ट पोस्ट मेरे सामने देखने को मिल जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए Instagram ने एक न्यू फीचर कुछ महीने पहले लॉन्च किया था जिसका नाम है फेवरेट्स। उसको किस प्रकार से हम यूज करेंगे, देखिए। आपको Instagram के ऊपर क्लिक करना है, जो लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ आपको लिखा हुआ मिल रहा है। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, छोटी ही ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर फॉलोइंग और फेवरेट्स का ऑप्शन देखेगा, आपको फेवरेट्स पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, चूज दिस अकाउंट यू कांट मिस आउट। यहाँ पर आप वो अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप मिस नहीं करना चाहते। ऐड अकाउंट्स टू योर फेवरेट्स टू सी देयर पोस्ट। यहाँ पर आप कुछ अकाउंट्स ऐड करेंगे जिनकी जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी इस वाले सेक्शन के अंदर। तो गाइज, आपको यहाँ से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, कुछ अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। आपको ऐड फेवरेट्स पर क्लिक करना है, तो आपके जितने भी आपने लोगों को फॉलो कर रखा है वो सारे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो कोई पेज हो या फिर कोई अकाउंट। अब मैं कुछ नए अकाउंट्स को यहाँ पर ऐड करूँगा और आपको दिखाऊँगा किस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इस अकाउंट को ऐड करूँगा, उसके बाद मैं इसको ऐड करूँगा, उसके बाद मैं 1-2 अकाउंट और ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज, मैंने ये 3 यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैं जैसे ही बैक जाता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए फेवरेट्स वाले सेक्शन के अंदर मुझे इन 3 लोगों की जो पोस्ट्स हैं वो सबसे पहले देखने को मिल जाती है। जो रिसेंट पोस्ट है वो मेरे को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो गाइज, इसी प्रकार अगर आप कुछ लोगों की पोस्ट को मिस नहीं करना चाहते तो आप फेवरेट्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इन लोगों को यहाँ से रिमूव करना, हटाना, तो उसके लिए आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा जो राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद गाइज, आपको क्या करना है, रिमूव पर क्लिक कर देना है। जैसे हम रिमूव पर क्लिक करेंगे और वापस आएंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो अगेन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज, आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको इस ऑप्शन के बारे में बताना था। इसका यूज करके आप किसी भी पोस्ट को मिस नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या हमारी वीडियो की हेल्प से आपकी थोड़ी सी भी कोई भी मदद होती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर। जय भारत, जय हिंद।